4, 3, 2, 1, मैथ्स हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? देखिए आज हम करेंगे एक और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो कह रहा है 8x + 13 / √4x + 7। इसको भी हम हमारे सीएमसी में जो हांगकांग टाइप कहते हैं उसी हांगकांग टाइप से करेंगे, वही वेरिएबल सपोजिशन वाली टाइप। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं और आप नहीं जानते हैं कि हांगकांग किसको कहते हैं तो मैं बता देता हूँ, हांगकांग कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा बनाया हुआ एक पैटर्न है जिसमें हम ऊपर वाले को कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि वो नीचे वाले की फॉर्म में दिखे। नॉर्मल बुक्स में इसको नॉर्मल कुछ भी दो वेरिएबल लेके किया हुआ है तो हमने देखा कि दो वेरिएबल लेने ही है तो क्यों ना एच और के लिए जाए, हांगकांग बनाया जाए। तो देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x + 13 = h × 4x + 7 और प्लस का के, ये h और ये k, यानी ऊपर वाले को कुछ इस तरीके से लिखा कि h इनटू नीचे वाला प्लस कोई भी एक कांस्टेंट। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद तो देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा 4hx + 7h प्लस का k। x के कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट से कंपेयर कर लेंगे तो 4h = 8 आ जाएगा, h की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। और अगर मैं कांस्टेंट को कंपेयर करूंगा तो 13 = 7h + k आ जाएगा, h की वैल्यू 2 पुट कर दूंगा 14 तो -1 = k, तो k और h दोनों की वैल्यू आ गई। यानी 8x + 13 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 8x + 13 को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 2 × 4x + 7 होल डिवाइडेड बाय 4x + 7 का रूट और फिर -1 / 4x + 7 का रूट। अब आप सोचेंगे मैंने क्या किया, ये मैंने सेपरेटिंग कर लिया, ये जो वैल्यूज है इसको अलग अलग लिख के एक बार इसके नीचे लिख लिया और एक बार इसके नीचे लिख लिया। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मेरे को एग्जैक्टली ऊपर और नीचे सेम टर्म लग जाएगी। तो अगर ये इससे नमस्ते होगा तो पावर हाफ इसके ऊपर चल जाएगी तो बचेगा देखिए 2 × 4x + 7 की पावर हाफ और ये बचेगा -4x + 7 की पावर -1। सिंपल, और dx तो मेरा है ही। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो देखिए क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा तो बचेगा 2 × 4x + 7 पावर हाफ है, 1 ऐड होगा तो 3/2 आ जाएगा, नीचे भी 3/2 आ जाएगा। और हम जानते हैं क्या कि हमारे को इसके डिफरेंशिएशन से भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन डिवाइड करेंगे तो 4, इसमें पावर हाफ है माइनस की तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1/2 ऊपर इंटीग्रेट होके +1/2 हो जाएगी अपॉन हाफ और फिर इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड तो 4 और फाइनली प्लस ये तो हमारे को लगाना है तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 2 नमस्ते तो ये बचेगा मेरे पास 4x + 7 की पावर 3/2/3 माइनस ये जो बचेगा, बचेगा मेरे पास 4x + 7 की पावर हाफ अपॉन 2 और प्लस सी तो ऐसे की ऐसे है ही। तो आप देख रहे हैं कि ये एक नॉर्मल क्वेश्चन को किस तरीके से इजी बना के इंटीग्रेट करना है। स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन बहुत इजी है, सिर्फ इंटीग्रेबल फॉर्म बनाना ही हमारा मेन मोटिव है। अगर एक बार इंटीग्रेबल फॉर्म बन गई तो इंटीग्रेशन तो नॉर्मल फॉर्मूले से डायरेक्ट हो जाता है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर है, फिर भी कुछ डाउट हो कुछ पूछना हो तो प्लीज डू लेट अस नो एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट इफ यू लाइक इट। थैंक यू।